फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। देखिए आज हमने उपमा बनाया है, आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। किसी वक्त इसे बना के जो डाइट करते हैं उनके लिए भी अच्छा है ये। पता है किस तरह बनाया जाता है, बने रहिए पूजा ब्लॉग्स में। उपमा बनाने के लिए देखिए हमने सूजी ले लिया है 1 पाव, और यहाँ पे देखिए हमने प्याज को बारीक कट कर लिया है, सिंगदाना भी ले लिए हमने, और यहाँ पे मिर्ची ले लिए है तीखा के लिए। यहाँ पे देखिए हमने आलू कट कर लिए, आप अपने पसंद के हिसाब से आप इसमें हर सब्जियाँ डाल सकते हो। देखिए 1-2 चम्मच हमने दाल को ले लिया है धो के, इसे भी हम डालेंगे इसमें। देखिए हमने यहाँ पे बारीक कट करके टमाटर ले लिया है इस तरह से। चलिए हम बनाते हैं उपमा को। देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अभी हम इसमें डाल देते हैं तेल। आप इसमें चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। हम कड़ी पत्ते इसमें डाल देते हैं, और सरसों, 1 लाल मिर्ची डाल देते हैं इस तरह से। अब इसमें डाल देते हैं दाल, इनको भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया, अब इन सबको हम इसमें डाल देते हैं। कटा हुआ प्याज, सिंगदाना और मिर्ची, इन सबको डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनमें हम डाल देते हैं आलू जो हमने बारीक काट के रखे थे इस तरह से, इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें सब्जी आप ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ही हेल्दी होता है खाने में। जो डाइट करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। किसी वक्त इसे बनाइए, जल्दी से बन भी जाता है। इसमें हल्का सा हम नमक डाल देते हैं 1/2 चम्मच, ताकि जल्दी से पक जाए आलू। देखिए इस तरह से अच्छे से डाल के इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इनको इस तरह मिक्स कर ले रहे हैं। देखिए इसमें टमाटर डाल के इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। देखिए ये पक गया, अब हम इसमें सूजी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। इसे अच्छी तरह मिला लेंगे, ये देखिए इस तरह। देखिए इसमें हम पानी डाल देते हैं इस तरह से, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है 2 गिलास, 1 पाव सूजी में 2 गिलास पानी हमने इसमें डाल दिया। इसे धीमे आंच पे हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा शक्कर डाल देते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट आता है शक्कर डालने से। ये देखिए 1/2 चम्मच हमने पहले से नमक डाला था, इसलिए 1/2 चम्मच और हम इसमें डाल दिए हैं नमक। इनको हम मिला लेते हैं। देखिए इसमें हम 1 नींबू डाल देते हैं खट्टा के लिए। देखिए हमारा उपमा तैयार हो गया है, अब हम गैस कर देते हैं बंद। इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में। उपमा तैयार हो गया है, इसके ऊपर से हम सिंगदाना डाल देंगे, इससे अच्छा देखने में अच्छा लगता है। इस तरह से हम सिंगदाना से इसे सजा देंगे अच्छी तरह। ये देखिए हमने सिंगदाना से सजा दिया, अब इसके ऊपर से हम धनिया पत्ती डाल देंगे इस तरह से। देखने में भी इतना स्वादिष्ट लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। देखिए आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।